नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की ओर। खबर धार के मनावर से, जहां धार के मनावर के पास हुई लूट का पुलिस ने किया 4 दिन में खुलासा, नौकर ही निकला चोर। मनावर के पास अंजनिया फाटा पर 4 तारीख को एक मोटरसाइकिल सवार ने अनाज व्यापारी उमेश खंडेलवाल के नौकर से 2,23,000 आंख में मिर्ची डालकर लूट की थी। लूट करने वाला व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था, नौकर का दोस्त आमजद था। वसीम और अमीर ही निकले चोर। वसीम और अमीर दोनों अनाज व्यापारी उमेश खंडेलवाल के यहाँ नौकरी करते थे। बड़वानी से अनाज व्यापारी की वसूली कर आ रहे थे। धार SP आदित्य प्रताप सिंह ने मात्र 4 दिन में लूट का खुलासा किया। SDOP करण सिंह रावत, TI ब्रजेश मालवीय ने शक के आधार पर कड़ी पूछताछ की। नौकर से तो नौकर ही चोर निकला। आमिर साय और वसीम और उसका दोस्त आमजद साय तीनों ने मिलकर आंख में मिर्ची डालकर लूट की प्लानिंग बनाई, लालच में आकर लूट की योजना बनाई। लेकिन पुलिस ने चंद दिनों में लूट का खुलासा किया, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तीनों आरोपी गंधवानी के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से 2,23,000 नगद मिर्ची पाउडर व मोटरसाइकिल जब्त की गई। थाने में 4 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें 2 लड़के हैं वसीम और आमिर। इन लोगों ने कंप्लेन की थी कि ये बड़वानी से उमेश खंडेलवाल नाम के व्यापारी का 2,23,000 रुपये लेकर आ रहे थे, और उन्हें 2 बदमाश अपने 4 साथियों के साथ लूट के चले गए आंख में मिर्ची डाल के। इस पूरे मामले को जब इन्वेस्टिगेट किया गया और हमारे एडिशनल SP SDOP मनावर, TI मनावर, सिंघाना चौकी प्रभारी, इनकी टीम ने इसमें डिटेल में वर्क किया, तो पूरी घटना शुरुआत से ही संदिग्ध लग रही थी। और उस पर वर्क करते हुए निष्कर्ष निकला कि ये 3 दोस्त वसीम, आमिर और अमजद, इन 3 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था। उन्होंने एक झूठी लूट का प्लान बनाया था, जिसमें ये जो 2,23,000 जो अनाज व्यापारी के लेकर जा रहे थे उसको ये हड़पना चाहते थे, और इन लोगों ने प्लान बना के मिर्ची और ये पूरा षड्यंत्र बनाया। इसमें पूरा जो मशरूका है वो पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। तीनों जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट करके। मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।